मेरे को लगता है अंदर से ही बात करना पड़ेगा आपके साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वेलकम. कैसा लगा आपको खुद के पिक्चर का ट्रेलर? मैं बहुत यहाँ से पीछे से देख रहा था. हाँ. खुद की पिक्चर का ट्रेलर तो हर किसी को अच्छा लगता है. अच्छा. और मेरे को ऑलरेडी पिंजरे में बांध दिया था, बंद कर दिया था, तो मैं उसके अंदर से ही देख रहा था. आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर? लेकिन मजा ही आ गया. ये हालत आपकी की किसने? पिंजरे के अंदर घुस कैसे गया? मुझे एक्सपीरियंस बोले हैं, एक्सपीरियंस है सर. हमेशा ये ऐसे ही होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो शायद से कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पिंजरे में. तो ऐसे ही चिंटू त्यागी की लाइफ में भी ऐसे ही हुआ है. एंड वो पिंजरे में है और बाकी सब लोग बाहर है, तो वो उसकी मेंटल स्टेट है. तो अभी मन कर रहा है पिंजरे से बाहर निकलने का कि अंदर ही रहना है? नहीं, वैसे अच्छा लग रहा है, कुछ अलग है. यार कार्तिक आर्यन को निकाल लो, कोई बाहर नहीं. चलो कार्तिक आर्यन को पिंजरे से बाहर निकालेंगे. यहाँ पर मीडिया में से मेरे कुछ दोस्तों हैं जिनको हमने चावी दी, आपकी चावी. एक्चुअली मैं फोटो ऑफ कर लेते हैं, ये पिंजरा इसीलिए था, ये सब चीजों के लिए नहीं था. तो वो हम लोग एक पोस्टर को रिक्रिएट कर लेते हैं. हाँ, हम दोनों अंदर फिट हो जाते हैं तो चले जाते हैं. अब बाहर भी आ जाएंगे अरण्या, डोंट बी सो हैप्पी. एक तरीके से काम करना चाहता था इस फिल्म में और एक नयापन अगर इस फिल्म में ला रहे थे और एक मॉडर्न टेक जिस फिल्म में लेकर आ रहे थे, तो उसमें अगर मैं वो चीज़ देखता तो वो गलती से भी मेरे सबकॉन्शियस लेवल से भी वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ ट्राई की है इसमें. सो आई डेंट वॉच इट अगेन, बट मैंने बहुत पहले शायद से सालों पहले फिल्म देखी थी शायद टीवी पे, दैट्स अबाउट इट. बट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी. मतलब सजीव साहब वो लेजेंडरी रहे हमेशा से, एंड दिस होल फिल्म पति पत्नी और वो, इसका टाइटल ही इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल है कि ऑटोमेटिकली आपको पूरी फिल्म भी कहीं ना कहीं दिखती है. Same thing for Bhumi also, like Vidya Sinha ji was there, wo, I don't know, wo kaun tha? Rajita Kaur. You, same question I'm asking you all. Yeah, again, I've seen it like years ago. Lekin jab mere paas Jhoomo film laya tha, maine socha maybe I should watch it, but then maine nahi dekhi because jaise Kartik ne kaha ki ek new age take hai on the old. जो ये टाइप की रिलेशनशिप होती है उसका एक मॉडर्न वर्जन है. सो आई डिडंट रियली फील द नेसेसिटी टू गो वॉच इट, यू नो, बट इट्स अ कल्ट क्लासिक एंड दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स एंड आई रियली होप जितना मजा तब लोगों को पति पत्नी और वो देखकर आया था, अब और भी ज्यादा मजा आया क्योंकि हमने तो बहुत मजे किए. अच्छा मुदस्सर जी से एक सवाल है. जी सर. हां सवाल मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है और मुझे वो गाना आदम और हव्वा दोनों वो बहुत पसंद है.